नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। हमारे विशेष संवाददाता ने खास बातचीत की राधा स्वामी धाम चक नौ जीवी के प्रधान एमएलए मनचंदा व केवल कुमार के साथ। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी। लगातार हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट पर लेकर आते हैं। जो गुरु घर के प्रधान या मुख्य है, जो सेवादार है या अध्यक्ष है, उनसे भी खास बातचीत की जा रही है। लगातार जानी जा रही है किस प्रकार की जो गुरु घर की मैनेजमेंट की जा रही है। एक ऐतिहासिक जो गुरु घर जो डेरा है, आज हमारी टीम पहुंच चुकी है श्री गंगानगर के एक जो तहसील है श्री विजयनगर के जो गांव नौ जीबी के अंदर एक बड़ा गुरुद्वारा है, वहां पहुंच चुके हैं। उनके प्रधान जी है जो हमारे साथ लाइव वर्जन में जुड़ चुके हैं। उनसे खास मुलाकात करेंगे, किस प्रकार की गुरु घर की स्थिति है और किस प्रकार ये जो लंगर वगैरह जो सुविधा करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो चैनल में स्वागत है। मैं मनोरम चंदा, पंजाब डिस्ट्रिक्ट में सर्विस करता था, पंजाब में और हिमाचल में और हरियाणा में नौकरी की है 40 साल। रिटायरमेंट के बाद मैं डेरे में आ गया हूँ और तब से ही 27 साल मुझे यहाँ आए हुए हो गए हैं, सेवा में लगा हुआ हूँ। 27 साल से सेवा कर रहा हूँ। तो ये हमारे जो गुरु महाराज थे बाबा देवा सिंह जी महाराज, उन्होंने 1952 में ज़मीनें खरीदी थी और हर एक जितने साधु थे यहाँ, 7 साधु थे, उनके नाम 2-2 मरबे ज़मीन खरीदी थी। और कुछ जो साधु हमारे साथ छोड़ गए हैं, उनकी जो ज़मीन है वो ट्रस्ट में उन्होंने लिख के दे दिया, चली गई है। अभी हमारे ये उनको बाबा देसरा जी, जो उनके बाबा देवा सिंह गद्दी पर बैठे थे, उन्होंने बाबा देसरा को ये भार संभाला कि आप मंदिर का निर्माण करें और खेती जो है उनका भी इंतज़ाम करते रहे। उन्होंने ये मंदिर 1994 में शुरू किया और 2005 में कंप्लीट किया। वैसे तो मंदिर का काम कभी भी नहीं समाप्त होता, कोई ना कोई डेवलपमेंट के लिए, संगत के लिए, उनके लिए अभी भी चल रहा है। तो यहाँ पर हर चीज़ व्यवस्था इस प्रकार की हुई है कि 100 आदमी का डेली खाना बनता है। जो यहाँ के सेवादार हैं या खेती बाड़ी देखते हैं उनके लिए बनता है। बाकी नज़दीक के जितने गांव हैं वहाँ से संगत आती है और अपने सत्संग में पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ का फ़ायदा उठाते हैं। इसके अलावा डेरे ने ये भी इंतज़ाम किया हुआ है कि डायरी जो है अपनी है, जितना भी दूध की व्यवस्था होती है वो सब यहाँ ही हो जाती है। सब्जियाँ जो बोई जाती है वो भी डेरे में कंज्यूम होती हैं, वो ऑर्गेनिक तरीके से बनाई जाती हैं। इसके अलावा बाबा जी यहाँ पर 3 भंडारे होते हैं। 1-2 फरवरी को होता है, वो बाबा देसरा जी का है। दूसरा अब 18 मई को होगा, ये हमारे बाबा गुरु जी का है। तीसरा भंडारा सितंबर में आता है, वो हमारे गुरु महाराज का है। 3 भंडारे यहाँ पर मनाए जाते हैं, जिसमें से पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और दूर दूर से आते हैं सत्संगी और अपना। तो प्रधान जी, लमसम आपके कार्यकाल के अंदर विकास कार्य क्या क्या हो, जैसे गुरु घर की 4 दीवारी हो गई मान लो, डेरे की मान लो, या कोई मतलब कोई एसी की व्यवस्था, कोई होल की व्यवस्था, ऐसा ऐसे है कि यहाँ पर व्यवस्था खाने पीने का तो लंगर चलता ही रहता है। इसके अलावा गरीबों के लिए स्कूलों में जाके हम डोनेट कर देते हैं, कोई गरीब बच्चा हो तो उसके लिए पढ़ाई के लिए अगर किसी को चाहिए या कपड़ा चाहिए वो भी हम डोनेट कर देते हैं, क्योंकि खेती या बड़ी की हमारी आमदन है, उसी को हम यूटिलाइज कर लेते हैं। कुछ बिल्डिंग में लगाते हैं, जो जो रिक्वायरमेंट है, कोई यात्री आते हैं उनको ठहरने के लिए सुविधा चाहिए तो उनके लिए बन रहा है। हाँ, रूम वगैरह की व्यवस्था की हुई है, जो भी कोई आता है तो उसको ठहरने की व्यवस्था है। तो प्रधान जी, बात करें जैसे देखा गरीब बेटियों की शादी भी की जाती है गुरु घर के अंदर, क्योंकि जब कोई साया ना हो तो ऐसी कोई व्यवस्था की तो नहीं करते, पर कोई नीडी आदमी हमारे पास आता है उसमें हम सहयोग कर देते हैं, सहयोग करते हैं
किसी को भी कोई ज़रूरत हो खाने की या उनके व्यवस्था कर देते हैं। कोई बीमार आदमी है उसका अगर कोई एड चाहिए तब भी दे देते हैं। सर कितने सेवादार हैं आपके यहाँ पे? यहाँ कोई जो परमानेंट रहते हैं सेवादार वो तो 20-21 हैं परमानेंट जो हैं, जो जो सेवा भाव से करते हैं। कुछ आदमी इतने ही बीबी हैं जो खूनम रहते हैं वो भी फ्री सर्विस यहाँ करती हैं। 40-50 तो सेवादारी हैं दोनों मिला के, बाकी के 30-40 आदमी जो खेतों में काम करते हैं वो भी यहीं रहते हैं, उनके लिए खाने का इंतज़ाम होता है। और उनको भी उनके बच्चों को भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती, अगर किसी का नहीं भी व्यवस्था हो सकते वो हम करते हैं। तो सर बात करें और क्या आपके मन के अंदर ख्वाहिश चल रही है? सर काफ़ी एज भी हो चुकी है आपकी और बड़ा अच्छा मैनेजमेंट किया जा रहा है सर, चैनल के माध्यम से भी काफ़ी लोग आपको लाइव वर्जन में देख रहे हैं, आगे आप क्या सोच रहे कि चल लो इसको इससे बड़ा बनाने की? विचार है कि हम कहते हैं कि यहाँ पर कोई डिस्पेंसरी बन जाए ताकि नियर बाई जो प्लेसेज हैं उनको एटलीस्ट प्रिलिमिनरी उनको जो एड चाहिए मेडिकल वो मिल जाए, वो हम बना रहे हैं प्रोग्राम उसके लिए भी हो जाएगा, मेडिकल फैसिलिटीज देंगे। तो हमारे साथ भाई साहब भी जुड़ चुके हैं, इनसे भी बातचीत की जाएगी, ये भी यहाँ के बिल्कुल सेवादार हैं। तो सर किस प्रकार मैनेजमेंट चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है जी, गुरु महाराज की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है सारा कुछ, और लोग बहुत खुश हैं, आसपास वाले बहुत खुश हैं। अभी यहाँ स्टेशन बंद था रेलवे स्टेशन, तो हमारे सेवादार ने चला रखा है, बाबा जी ने कुछ कुछ पैसा भी जेब से लगाया सारा कुछ उसको चला दिया। आसपास वाले गांव वाले बहुत खुश हैं इस बात से कि हमारा रेलवे स्टेशन चालू हो गया। चलो गरीब आदमी को रेल की जरा सुविधा रहती है, पैसे कम लगते हैं, ये फ़र्क पड़ जाता है। सर शिक्षक स्तर कैसा है? पढ़ने की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, पढ़ने में ऐसा ना यहाँ पर गरीबी है थोड़ी सी, फिर भी हम लोग जितनी हो सकता ना मदद करते हैं इनके लोगों की। अब जैसे पीछे एक वो डिस्पेंसरी सी किसी की जितने बहुत पहुँच देता सीखा वाटर कूलर वगैरह था, हाँ वो डिस्पेंसरी है छोटा सा गांव है, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी, वो कहते हमें एक वाटर कूलर की रिक्वायरमेंट है, हम लोग फिर वहाँ जाके दे के आए थे उनको। ऐसे आसपास में जितनी मदद हो सकती है करते हैं हम। हाँ जी, हम लोगों को जो लोग जानते हैं इसी वजह से ही जानते हैं कि इस डेरे में लोग भले रहते हैं सब, क्योंकि पुराने जो साथ थे वो बहुत ज़्यादा भगवान से जुड़े हुए थे। आज तो चलो हम थोड़ा सा हैं कम है, उतना तो नहीं जुड़ सकते। तीन होते हैं जी हमारे भंडारे, हमारे पिता गुरु का, हमारे दादा गुरु का, हमारे परदादा गुरु का। मई, हाँ जी, मई 17 का भंडारा होता है पक्का, वो इस बार 18 का आ गया है, और नारायणी श्राद्ध होता है सितंबर में, वहाँ तब होता है, तो 2 मई का हमारे गुरु महाराज का होता है। ये 3 भंडारे होते हैं, इसमें काफ़ी संगत आसपास के गांव से आती है, फुल अरेंजमेंट होता है। नहीं जी FDI यहाँ क्या करनी, पैसे की तो यहाँ कोई रोला ही नहीं है, सेवा वहाँ पर चलता है सारा काम। हाँ जी, यहाँ जितने जो वर्कर काम करते हैं थोड़े बहुत उनको भी सेवा भाव से ही लगा रखा हमने, उनको कोई दिक्कत होती है हम लोग खुद लेके जाते हैं, कोई मान लो घर से बीमार हो गया हम खुद हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उनको सब कुछ करते हैं, जितनी हो सकती फैसिलिटी देते हैं उनको। सर आपको भी काफ़ी लोग लाइव वर्जन में देख रहे हैं, विजयनगर क्षेत्र के भी लोग देख रहे हैं। सर गुरु घर का मैनेजमेंट किस प्रकार संभालना चाहिए, प्रधानों को किस प्रकार अपनी जो भूमिका निभानी चाहिए, तो क्या अपील करना चाहते हो चैनल के माध्यम से? देखो मैनेजमेंट की बात यह है, गुरु घर का काम गुरु ही करता है, हमने तो सिर्फ एक प्रेम भाव से काम करना है, करवाना सब कुछ गुरु महाराज नहीं है, वही करवाते हैं वही करवाएंगे, आज भी कर रहे हैं कल भी वही करेंगे। हम लोगों ने तो एक पार्ट अदा करना है, अभी लोगों से प्रेम से बात करें, प्रेम से मिलें, कोई आयोस की प्रेम से बात सुनी जाए, यही बहुत कुछ है, क्योंकि अगर प्रेम आ गया तो सारा कुछ आ गया। तो प्रधान जी और क्या आदेश करना चाहते हो, क्या अपील करना चाहते हो, क्योंकि देखा कई गुरु घर के अंदर भी काफ़ी गफलाबाजी होती है, प्रधान या कैशियर की मिली बख्शीश देखा सर, आप क्या समझौत करना चाहते हो, क्योंकि आप भी बहुत 26 साल पुराने एक अध्यक्ष मान लो या सेवादार मान लो या प्रधान मान लो कुछ भी मान लो, तो क्या अपील करना चाहते हो? अपील तो यही है कि लोग एक तो नशा छुड़ाने का हम प्रोग्राम बनाते हैं, नशा ना करें। इसके अलावा आजकल पंजाब में और यहाँ राजस्थान में भी नशा का बहुत हो गया है, इसके लिए हम सेमिनार भी कर देते हैं जिसमें लोगों को थोड़ी इससे दूर रहने की सलाह दी जाती है। देश की जो तकनीक वो बिगड़ चुकी है, क्योंकि चिट्टे का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो चुका है, पुलिस प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा। नहीं ऐसी बात नहीं है, ड्यूटीज तो हर आदमी करता है, कोई ना कोई कमी रह जाती है, वो तो हर डिपार्टमेंट में है,
पर यहाँ जो है ये कोई किसी का इंटरेस्ट नहीं है कि मैंने कोई इसमें से पैसा लेना है, कुछ ना। मैनेजमेंट जो है बहुत साफ सुथरी है, ऑडिट होता है, सब कुछ है, ट्रस्ट है। ट्रस्ट में तो बकायदा ट्रस्टी भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, है जी। अपना अपना डिपार्टमेंट है वो संभाल रहे हैं। तो प्रताप जी, VMR भारत टीवी के अंदर 10 मिनट टाइम देने के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हमारे जो गुरु महाराज हैं वो ही दयालु है, जो भी हम सीखते हैं उन्हीं से सीखते हैं, तो बहुत बढ़िया। तो आप कभी भी जब आप, मैं तो कहता हूँ भंडारे में हमारे 18 को है, आप आइए और फिर इंतज़ाम को देखोगे तो अपने आप ही पता चलेगा कि यहाँ कैसे चल रहा है। हाँ जी, ये तो हमारे साथ जो गुरु घर के सेवादार मान लीजिए, अध्यक्ष मान लीजिए, मुखिया प्रधान मान लीजिए, बड़ी अच्छी इन्होंने व्यवस्था किया है। 25-26 साल हो गए लगातार गुरु घर के अंदर, शानदार सर्कल है इनका। तब तक जुड़े रहे VMR भारत टीवी के साथ, कैमरामैन बनवारी के साथ सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर में फिलहाल इतना ही, बने रहे VMR भारत टीवी के साथ।